अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादर बानो वंचम डॉक्टर सादर बानो काजी हाजिर है आपकी खिदमत में। तो आज जो है जी 26 मई और जुम्मे का दिन, तो जुम्मे की रात है, तो हम आज जा रहे हैं उमरे पे, क्योंकि जो है उसके बाद जो हज की अगले हफ्ते से हज की तो हाजी तो आना शुरू हो गए, तो उसके बाद ज़्यादा रश हो जाएगी, तो हमने सोचा कि उन्हें आज कर लें, तो कल मेरी छुट्टी भी, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आज उम्र के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मक्के में आजकल पार्किंग का बहुत मसले चल रहे हैं, तो हम गाड़ी यहाँ ही रोकते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे एक होटल है जिसका नाम है लाहौर होटल, पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे और इसके बाद ये हमारे सामने जो इस तरफ ये जो है हमारी मीकात है मस्जिद जराना, तो वहाँ हम जाएंगे। तो चलिए, तो ये मेरे हस्बैंड, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर चले, फिर चलते हैं मीकात पे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, हम पहुँच गए हैं मस्जिद जराना। तो ये है मस्जिद जराना की नमाज पढ़िए, अभी मैंने ईशा की नमाज पढ़ी हो और जो है उम्र की नीयत की है, दो रकअत की। तो अभी चलते हैं बाहर, तो यहाँ से बैठेंगे बस में और बच्चे से ले जाएंगे हम हरम में। तो हरम चलो पहुँच कर फिर मैं आपसे बात करती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अभी चलते, चाय पीती हूँ। चलते जी, आप हमारे साथ एक जो गेस्ट तो है, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन भी एक है, समझे मेरी बहनों की तरह है। तो वो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ काम भी करती है, तो उसका नाम जो सबा, ये जे थी, ये पाकिस्तान गुजरात से है जी, मेरे साथ काम करती है हॉस्पिटल में। तो आज ये भी हमारे साथ उम्रे पे आई हुई है। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं उम्रे पे। और चलिए, हमारा स्टॉप है आज, मैंने आपको स्टॉप में आपको ये देखें, स्टॉप है हमारा, यहाँ पे रुकी है ये बस, यहाँ के मेरी बस आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टॉप बना हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये देखिए। चलिए फिर बस में बैठती हूँ, फिर आप जराना से जो 10 नंबर की बस जाती है, तो हरम के बिल्कुल सामने छोड़ दीजिए। जी हम तो आ गए हरम से, करीब ही आ गए, थोड़ा सा करीब आ गए हैं। सामने जमजम टावर नज़र, मक्का टावर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुंच चुके हैं हरम में, लेकिन अंदर नहीं गए। तो ये ओमेहानी का घर सामने पीछे जो है पीला, वो आपको नज़र आ रहा है, वो है, ये देखिए। चलिए ये हरम हम पहुंच गए हैं, तो चले हम वज़ू करते हैं, तो उसके बाद फिर हम अंदर हरम में जाते हैं, तो आपसे मिलते हैं। चले हम जी पहुँच गए हम हरम में, तो हम अंदर जा रहे हैं उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी उम्रे की ज़्यादा नसीबत फरमाए, आप सब के लिए मैं दुआ करूंगी। तो सबा का भी ये आज है दूसरा उम्रा है, बहुत एक्साइटेड हो रही है। तो चलिए जी, अभी काबे पे नज़र करते हैं, काबे को देखते हैं, और जो दुआएं मांगते हैं तो इंशाल्लाह कबूल हो जाए, अल्लाह हमारा उम्रा करेंगे। चलिए जी, पहुँच गए काबे में, तो आप लोग काबे का अभी हम शुरू करें अपना। चलिए देखिए, आज मैं बिल्कुल काबे के करीब आई हूँ, तो आपको भी मैं दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल मैं काबे के करीब आके मैंने काफ़ी दुआएं की है, काबे को हाथ लगा कर मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और जब काबे को हम हाथ लगा के गले लगा के दुआएं मांगते, तो कुछ फीलिंग ही कोई और इंसानों की होती है ना। अस्सलाम वालेकुम, ज़िंदगी अगर आपको खुशगवार और सेहतमंद गुजारनी है, तो ये चार असूल या तीन असूल जो भी हैं आप ज़िंदगी अपना लीजिए। नंबर वन, रोज़ाना एक घंटा वर्जिश कीजिए या वॉक कीजिए। दूसरी बात यह है कि सॉल्ट और शुगर इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिए। फास्ट फूड का इस्तेमाल कभी कभार करें, कम करें, हफ्ते में एक बार करें या 10 दिन में एक बार करें। और जो है दूसरी बात है कि हेल्दी फूड खाइए, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी देखिए कितनी खुशगवार और सेहतमंद गुजरती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, तो अभी हम आए हैं, हमारा जो है स्टोव जो गैस का ख़राब हो चुका है, तो वो लेने आए, तो अभी हम दुकान पे, ये देखिए इस दुकान है, तो दुकान पे चलते हैं, तो आपको भी ले चलते हैं। स्टोव लेने आए, तो ये हम शॉप पे आए, तो ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये मुजाहिदीन में है, अबू सदीन शॉप है मक्के में, तो आप देखिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको सब दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हॉट पॉट देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं,
ये देखिए ये है प्याले वगैरह, ये देखिए प्लास्टिक के ये हैं जार्स, इस तरफ देखिए ये लोहे की सब चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी कितनी प्यारी है जी। ये देखिए ये नॉन स्टिक का मुझे चाहिए था फ्राई पैन, तो वो कितने का ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। फिर अभी हम स्टोव लेने आए थे, मैं चलो मैंने आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए चीज़ें हैं ये। ये देखिए और प्यारी सी ये देखिए बेबी डॉल यार, इतना अरसा चला है 12-13 साल चला है, लेकिन ये वो ना होने की वजह से ना खराब होता है। ये भाई नंबर रख लो अपने पास, ये हमारे भाई हैं तो यहीं से आके लेना है आपको, मुजाहिदीन में अबू सदीम। चले जी हम शॉप पे गए थे अभी, तो वहाँ से हमने वो ले लिया जो स्टोव था हमारा जो ख़राब हो चुका था, तो हमें नया लेना था, वो हमने ले लिया। तो उसके साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।